काफ़ी अरसे से मुझे पंजाब के बारे में खबरें आ रही थी और काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ कि पंजाब में क्या हो रहा है। मैं तो देखिए मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं तो कश्मीरी हूँ और पंजाब में रहता भी नहीं हूँ, मैं अब नोएडा में आ गया हूँ, मगर खबरें मुझे मिलती आ रही थी और वो बड़ी विचलित करने वाली, परेशान करने वाली खबरें आपके स्टेट के बारे में आ रही थी। एक तो कि यहाँ पे आपके जो हुक्मरान हैं वो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स की तो काफ़ी बातें हुई हैं, अभी फेक एनकाउंटर्स बहुत सारे हुए हैं जिसका आप खुलासा हो रहा है, वो इंस्पेक्टर पिंकी जी ने किया है और उस पर मेरा फैसला है। उसका नाम है प्रकाश कदम वर्सेज राम प्रसाद गुप्ता, ये गूगल में ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, प्रकाश कदम वर्सेज राम प्रसाद गुप्ता, जिसमें मैंने कहा है अगर पुलिस वाला फेक एनकाउंटर करता है तो उसके लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। क्योंकि देखिए पुलिस वाले का तो काम है कि लॉ को अपहोल्ड करना, उसका काम ये थोड़ी है कि कत्ल करना, मर्डर करना, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट टू हिज ड्यूटी काम कर रहा है, तो सख्त से सख्त सजा होना है। और मैंने कहा इसको विद इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाएगा और सजा मौत मिलनी है। तो ये लोग जिनका नाम पिंकी, गुरमीत सिंह पिंकी जी ने लिया है या औरों ने लिया है, बिल्कुल इन पर मुकदमा चलना चाहिए और अगर ये दोषी पाए जाए तो बिल्कुल फांसी लगनी चाहिए। और देखिए ये जो अपना बचाव लेते हैं पुलिस वाले के, हमको ऊपर से हुक्म आया था तो यही बचाव लिया था, लेने की कोशिश की थी। जब जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 1945 में, तो जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे जिन्होंने बड़े जघन्य अपराध किए थे उन पर मुकदमे चले, उन्होंने यही कहा कि साहब हम क्या करें, हमको तो ऊपर से हुक्म आया था हिटलर का कि ऐसा करो, मगर वो उनका बात नहीं मानी गई और उनको फांसी दी गई। तो ये मैं पंजाब के पुलिस वालों को वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, ये पहुँचा दीजिएगा उनके पास, चाहे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हों या जज हों, कि अगर तुमको तुम्हारे पॉलिटिकल मास्टर्स इलीगल ऑर्डर देते हैं तो ये तुम्हारा फ़र्ज़ है उनसे कहना कि देखिए नहीं साहब, ये हम आपका आदेश नहीं मान सकते, ये गैरकानूनी है। और अगर वो पुलिस अफसर वो आदेश मानेगा, गैरकानूनी आदेश, तो आगे चल के समझ लीजिए उसको फिर सख्त सज़ा मिलेगी, सजाए मौत तक मिल सकती है। तो पुलिस वाले संभल जाएं, अभी भी मौका है समझने का, ये सब बिल्कुल नहीं अब बर्दाश्त होगा आइंदा, जो हो गया उस पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, मगर आइंदा अगर इस तरह की हरकतें पुलिस वाले करते हैं, कि मैंने सुना है कि जैसे सुना है, जो मुझे बता दीजिए, मुझे कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है, जो लोगों ने बताया कि 10 नवंबर को सरबत खालसा हुआ था आप लोगों का, ये मुझे बताया गया। अच्छा, उसमें एक दो लोगों ने खालिस्तान की बात करी, उन पे सेडिशन चार्ज और क्या गिरफ्तार किए गए तमाम लोग और ये वो, देखिए इस पे कानून पहले समझिए कानून क्या है। खालिस्तान की मांग करना ये कोई जुर्म नहीं है, तमाम लोग कश्मीर में आज़ादी की मांग करते हैं, नागा लोग करते हैं, उसमें कोई ये जुर्म, ये तो देखिए संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है,
ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और कोई कह रहा है कहने का अधिकार। हाँ, अगर आप इसके आगे बढ़ के कोई हिंसा करते हैं या कोई वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई इंसाइट करते हैं, किसी को उत्तेजित करते हैं तुरंत, किसी को मानिए आप किसी से कहें जाओ गोली मार दो, इफ़ यू इंसाइट टू इमिनेंट वायलेंस, वो जुर्म होता है। सिर्फ कहना, कोई मीटिंग में किसी ने कह दिया कि साहब खालिस्तान बनना चाहिए, ये कोई जुर्म नहीं है। वो कोई अब जैसे सरबत खालसा की मीटिंग में कोई उसने हिंसा तो नहीं की, सिर्फ एक भाषण दिया बोला, तो बोलने से कोई हिंसा तो नहीं होती है। तो ये इस पर मेरा फैसला है, श्री इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, जब सुप्रीम कोर्ट में मैं जज था, वहाँ पे आसाम में एक वो उल्फा और करके ऑर्गेनाइजेशन है जो वो भी इंडिपेंडेंस मांगते हैं, तो उनको सजा हो गई, उनकी अपील आई मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा देखिए उसने कोई हिंसा तो नहीं की, उसने तो सिर्फ वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था, हालांकि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन था, मगर मैंने कहा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्जित हो जाए, बैन हो जाए अंडर टाडा या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, फिर भी जो सिर्फ मेंबर है, मेयर मेंबर है, तो उसको वो क्रिमिनल नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंसा करता है, कोई वायलेंस करता है या वायलेंस ऑर्गेनाइज करता है, तब देन दैट इज़ अ क्राइम। तो ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। सिर्फ हालांकि देखिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि भाई इंडिया मस्ट रिमेन यूनाइटेड, वी मस्ट ऑल रिमेन यूनाइटेड, मगर फिर भी कोई अगर कह रहा है खालिस्तान के बारे में तो कोई ये जुर्म नहीं बनता। तो ये जो 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 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सरबत खालसा की मीटिंग में जो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर सेडिशन चार्ज और न जाने क्या क्या धाराएं दफाएं लगा दी गई, ये बिल्कुल गैर कानूनी काम हुआ है, बिल्कुल ये हमारे मेरे अब सुप्रीम कोर्ट के मेरा निजी अपना फैसले के खिलाफ हुआ है। तो ये सब बिल्कुल विड्रॉ होने चाहिए चार्जेस, वरना जिन्होंने ये सब चार्ज किया है, वो जो पुलिस अफसरों ने जो ये सब चार्जशीट लगाई हैं, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि वो कहेंगे हमारे मंत्री जी ने कहा हमको करने को। तो ये मंत्री जी के कहने पे अब इस चक्कर मंत्री जी के चक्कर में ना आए पुलिस अफसर, वरना पुलिस अफसर मुसीबत में पड़ेंगे, उन पर मुकदमा चलेगा और कई साल की जेल उनको मिलेगी। ये संभल जाए पुलिस अफसर, उनको आप लोग कन्वे कर दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये बिल्कुल इलीगल हो रहा है। वहाँ पे तमिलनाडु में जय रहता मुख्यमंत्री हैं, अरे वहाँ एक कोई तमिल का फोक सिंगर है कोवन करके, उसने कोई गाने में जय रहता जी की बुराई कर दी, निंदा की। तो ये तो डेमोक्रेसी में लोगों को अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का हक है, ये बुरा मानने की क्या उस पर, मगर साहब उनके खिलाफ उस कोवन को गिरफ्तार करवा दिया, उसके खिलाफ सेडिशन चार्ज, ये हद हो गई। वहाँ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कोई कार्टून बना दिया, वो जो प्रोफेसर महापात्रा थे जादवपुर यूनिवर्सिटी के, उनको क्रिटिसाइज कर उसको गिरफ्तार करवा दिया, जेल भेजा, ये क्या हरकतें हैं, ये तो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। किसी को लोगों को बोलने का हक है, एंड पीपल शुड बी अलाउड टू लेट आउट स्टीम। लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि भाई लोकतंत्र में लोगों को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का हक है। तो ये यहाँ आपके पंजाब में भी ये न जाने क्या हालत में चल रही है, जो मुझे खबरें मिली कि आप क्रिटिसाइज करिए गवर्नमेंट को, तो साहब आपके ऊपर सेडिशन चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या हरकतें हो रही हैं पंजाब में। और जो मुझे खबरें आ रही हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ब्रेन ऑफ टेरर, लोग डरे हुए बोलते नहीं है। यहाँ भी मैं आया, मैं ये सब बोलने लगा तो मैंने देखा ज़्यादातर लोग जो मेरे साथ बैठे थे कमरे में भी चुप थे, ये क्या हो गया है। पंजाब तो बहादुरों का प्रदेश रहा है, कि आप डर के मारे कि हम पे मुझ पे मुकदमा चल जाएगा, सेडिशन, ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस,
लोकतंत्र में लोगों को बोलने का अधिकार है और गवर्नमेंट की भी निंदा करने आलोचना करने का अधिकार है। यहाँ के देखिए जो यहाँ भी सब अजीब अजीब खबरें आपके पंजाब के बारे में आ रही हैं। ये एक परिवार है वो आपकी सरकार बनाए बैठा हुआ है और वो सब कोई कहता है ड्रग माफिया भी वो चला रहा है, कोई कह रहा है लैंड माफिया चला रहा है, कोई कह रहा है वो बजरी माफिया माइनिंग माफिया, कोई वो क्या कहते हैं वो टीवी में पीटीसी चैनल है कोई। केबल टीवी ट्रांसपोर्ट होटल, अरे ये कोई पॉलिटिक्स है कि ये बिजनेस है? ये लोग पॉलिटिक्स छोड़े बिजनेस करें फिर अंधेरे है नहीं, ये लूट मची हुई है पंजाब की, ये पंजाब कोई बादल फैमिली की जागीर है कि जो मन चाहे बाएं दाएं किए जाओगे? हद हो गई यहाँ पे, आई जस्ट कैनॉट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपका प्रदेश चल रहा है। एक परिवार पूरा, जैसे कि ये लोकतंत्र नहीं है राजशाही है एक परिवार की, वो मुख्यमंत्री बेटा उप मुख्यमंत्री, बहू सेंटर में मिनिस्टर, दामाद यहाँ मिनिस्टर, बहू का भाई यहाँ मिनिस्टर, हद हो गई। व्हाट इज दिस? नहीं ये सब अब नहीं चलेगा, दिस विल नॉट लास्ट, ये समझ लीजिए। ये बादल फैमिली को अब समझ लेना चाहिए, हद हो गई अब, ये दिस इज गॉन टू फार। नहीं क्या आपको प्रदेश को पंजाब को लूटने का अधिकार है? हद कर दी, जहां देखो हाथ अपना उनका पड़ा हुआ है। बड़ी मतलब आई वॉज वेरी शॉक्ड क्या हो रहा है इस, यानी आपका जो प्रदेश है बड़ा मशहूर था फार्मिंग में, एग्रीकल्चर, तो पंजाबीज तो दे आर वेरी गुड एग्रीकल्चरिस्ट। यानी मैं गया था कनाडा और यूएसए, वहाँ बड़े अच्छे फार्मर्स हैं आपके सिख भाई, पर्टिकुलरली दे आर वेरी गुड फार्मर्स, बहुत अच्छी खेती करते हैं। मगर यहाँ सुना है खुदकशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं आपके किसान। यानी जो प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को खिला सकता है, अकेले पंजाब कैन फीड द होल ऑफ इंडिया, क्या वो फार्मर सुसाइड कर रहा है? यानी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये जिस तरीके से प्रदेश चल रहा है, आई एम सॉरी कि दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। यहां तक कि मैंने सुना है कि वो जेल को मॉर्गेज कर दिया, एक वो प्राइवेट बैंक्स को प्राइवेट बैंक्स से पैसा लेके जेलों को मॉर्गेज कर दिया, और क्या विडो विधवाओं के होम्स मॉर्गेज कर दिए, स्कूल अस्पताल और न जाने क्या क्या पैसा लेने के लिए, क्योंकि पैसा तो लगता है तुम खा गए सब, तुम खजाने में कुछ है नहीं, तो वेतन देने के लिए आप मॉर्गेज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। कैसे ये प्रदेश चल रहा है भाई? मुझसे कहा गया देवेंद्र पाल सिंह गुल्जर के बारे में कुछ बोलने को, अभी मुझसे फरमाया गया। देखिए देवेंद्र पाल सिंह गुल्जर से न मेरा कोई रिश्तेदारी है, न जान पहचान, मेरी जात बिरादरी, वो प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग थे जालंधर में, शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुझसे कोई दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैं एक दिन टेलीविज़न देख रहा था, तो टेलीविज़न पे आ रहा था, ये कई साल पुरानी बात है, कि उसको फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दे दी और उसको तो मर्सी पिटीशन खारिज हो गई, उसको फांसी लगने वाली है। तो बाय द वे मैंने अपना कंप्यूटर खोला और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे वो उसको पढ़ा। तीन जज का तीन जज बेंच का फैसला था,
जिसमें दो जजेस ने तो उसको उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा। तीसरे जज जो सीनियर जज थे जस्टिस एम बी शाह ने कहा यह बेगुनाह है। मैंने सब फैसले पढ़े और ये इस नतीजे पे आया कि ये जो जस्टिस एम बी शाह का फैसला है माइनॉरिटी जजमेंट ये सही है और जो दो जजेस ने जो दिया है वो गलत फैसले दे दिए। क्योंकि देखिए आजकल माफ़ करिएगा एक सेक्शन ऑफ जुडिशरी पॉपुलिस्ट हो गई है, वो चाहती थी कि मैसेज भेजो कि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद, तो फांसी पर लटका दो, चाहे बेगुनाह आदमी को भी फांसी पर लटका। यही याकूब मेमन के केस में हुआ और यही अफजल गुरु के केस में हुआ, दोनों बेगुनाह थे, ये गलत फैसले हुए। तो मैंने ये जस्टिस, अच्छा जस्टिस एम बी शाह ने क्या कहा अपने फैसले में कि देखिए अगर मानिए चार लोगों पे कंस्पिरेसी का चार्ज है और अगर तीन लोग पाए गए बेगुनाह हैं तो चौथे पर सज़ा नहीं हो सकती है, क्योंकि एक आदमी अपने साथ कंस्पायर नहीं कर सकता है, कंस्पिरेसी के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए, अकेला आदमी अपने साथ कंस्पायर नहीं कर सकता। तो अगर चार में से तीन छूट गए तो आप चौथे को सज़ा नहीं कर सकते, और तीन छोड़ दिए गए थे, बेगुनाह पाए गए थे। तो जस्टिस एम बी शाह ने यही कहा, सही बात कही, यही पहले एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, ब्रिटिश को, तो जो माइनॉरिटी व्यू दैट वॉज अ करेक्ट व्यू। तो मैंने जब पाया मैंने कहा ये तो बेगुनाह आदमी को आप फांसी पर लटका रहे हैं। तो मैं गया, मैंने अपॉइंटमेंट सीख करी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी से, दोनों से मुझे अपॉइंटमेंट पर्सनली मैं गया, जबकि मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं गुर्जर से, मगर मुझे लगा कि भाई नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं गया पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उनके पास और सारे कागज़ लेके गए अपना रिप्रेजेंटेशन और फैसले जो थे। मैंने कहा देखिए केहर सिंह का जो फैसला हुआ था जो इंदिरा गांधी केस में जिसको फांसी मिली, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फाइव जज बेंच थी, उन्होंने ये कहा कि देखिए एक तो जुडिशल प्रोसीडिंग होती हैं और एक पार्डन प्रोसीडिंग होती है, माफ़ी की प्रोसीडिंग। तो जो पार्डन की प्रोसीडिंग होती हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिफर, कैन कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन देन द कोर्ट ऑन, ही कैन स्क्रूटनाइज द एविडेंस एंड ऑन द सेम एविडेंस ही कैन कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन टू दैट रीच बाय द कोर्ट। तो मैंने ये बताया मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे कि देखिए ये माइनॉरिटी व्यू सही है, और मैंने वजह दिया उसका कि, तो अब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बोले जस्टिस काटजू आई एम नॉट अ फ्री मैन, मैं क्या करूं, यानी वो लगता है वो उनका जनरेटर लगा था 10 जनपथ में, वो बल्ब थे तो वो बेचारे क्या करते, बोले आई एम हेल्पलेस, ये वो। खैर फिर मैं पहुंच गया राष्ट्रपति जी के पास, प्रणब मुखर्जी थे उनके एडवाइज़र थे, मैं अपॉइंटमेंट लेके गया, मैंने सब समझाया कि ये बेगुनाह आदमी को आप फांसी दे रहे हैं, वो मैंने सब रीज़न दिए, सारे फैसले में लेके गया। तो उसके वजह से नतीजा हुआ कि उसकी फांसी रुकी और वो बाद में कम्यूट कर दी गई इनटू लाइफ सेंटेंस। वो शायद अमृतसर जेल में है यार, उसको तो छोड़ना चाहिए भाई, क्योंकि जो कंस्पिरेसी चार्ज मेकआउट नहीं होता है, वन मैन कैन नॉट कंस्पायर विद हिमसेल्फ, और दूसरा एविडेंस वो सो कॉल्ड ये टेररिस्ट केसेस में कन्फेशन एविडेंस खूब आता है कि इसने अरे कन्फेशन तो किसी को लाठी मार मार के कुछ भी कन्फेस करा दो, टॉर्चर इतनी टेरेबल थिंग है कि अंडर टॉर्चर अ मैन विल कन्फेस टू एवरी थिंग अंडर टॉर्चर। तो लिहाजा देयर वाज नो गुड एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो मैंने कहा कि अब उसको, बल्कि मिसिस बुल्लर टोरंटो कनाडा से आई मुझको थैंक करने के लिए, शी केम पर्सनली, और यहाँ दिल्ली में आपका रिकाबगंज साहब गुरुद्वारा है कोई जी है, अच्छा वो उन्होंने 5-7 हज़ार सिखों की मीटिंग हुई, मुझे बुलाया मुझे थैंक्स करने के लिए। मैंने कहा देखो भैया मुझे थैंक्स चाहिए नहीं वैसे भी, और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मीटिंग में जाता नहीं, मगर तुम लोग का डेलीगेशन मुझसे मिलना चाहे ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम, मेरे घर आइए पहले चाय पीजिए। तो 15-20 आपके सिख भाई आए, उनमें जस्टिस बेंस हैं,
आप भी शायद आए थे, मेरे मेरे घर आए थे डेलीगेशन रिटायर्ड हाई कोर्ट टू थैंक, मैंने बताया साहब बिल्कुल बेगुनाह को आप फांसी दे रहे हैं, हद कर दी। तो खैर उसकी जान तो बची, मगर अभी भी वो जेल में है बेचारा, 25 साल से करीब जेल में है और उसका माइंड भी डिस्टर्ब हो गया है, उसको छोड़ना चाहिए। आप लोग उसका टेकअप करिए बिल्कुल, इट इज़ अ केस विच ही शुड बी रिलीज इमीडिएटली। ऐसे मैंने कहा अबाउट अफजल गुरु की बात हुई, आई एग्री कि देखिए उसके अगेंस्ट भी क्या एविडेंस है, सिख कन्फेशन, यानी टेररिस्ट केसेस में कोई एविडेंस वेविडेंस तो पाते नहीं हैं, तो कहते इसने कन्फेस, इसने अपना जुर्म कबूल कर दिया, तो ये तो कुछ, ये तो कोई बात नहीं हुई, आप डंडे मार मार के किसी से कुछ भी कबूल करा लीजिए। और यही हुआ ये जो याकूब मेमन के केस, बिल्कुल ये भी बेगुनाह था, उसको फांसी चढ़ा दिया। तो इसमें देखिए हम थोड़ा जुडिशरी को ही ब्लेम करेंगे, सेक्शन ऑफ जुडिशरी हैज़ बिकम पॉपुलिस्ट, यानी कि वो बस चाहता है कि तालियां बजें कि हमने खूब देखिए कड़ा फैसला दिया है आतंकवाद के खिलाफ, वी आर सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट टेररिज्म, मगर ये कोई तरीका नहीं है जज का। जज को तो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। आपको भी दुनिया को दिखाना नहीं है कि हम देखिए कितने सख्त हैं टेररिज्म पे, चाहे इन्हें बेगुनाह आदमी को भी आप टांग दीजिए, तो ये कोई तरीका है जुडिशरी के फंक्शन का? ये यहाँ मैं जुडिशरी को भी ब्लेम करूँगा कि सेक्शन ऑफ द जजेस हैव बिकम पॉपुलिस्ट, दे आर पॉपुलैरिटी सीकर्स, विच इज़ रॉन्ग, ऐसा जज को नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अकबर साहब ने बात की, अयाज अकबर, देखिए मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि कश्मीर में बहुत जुल्म हुआ कश्मीरियों पे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जैसे पंजाब में हुआ और अभी भी हो रहा है, पंजाब में नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, कई बेगुनाह लोगों को मारा गया और कई जुल्म हुए, देयर आई अग्री एंटायरली। हालांकि मैं एक चीज़ गुजारिश करता हूँ, आप लोग कंसिडर करिए, जो मैंने देखिए मैंने कई बार कहा कि कश्मीर प्रॉब्लम का एक और एक ही समाधान है, वो है रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर अ स्ट्रॉन्ग सेकुलर गवर्नमेंट विच डज नॉट टॉलरेट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी काइंड, वेदर हिंदू और मुस्लिम। हम लोग असली में एक ही मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, ये फर्जी मुल्क है, इट इज़ अ फेक आर्टिफिशियल कंट्री, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया हम लोग को बेवकूफ़ बना के ऑन द बेसिस ऑफ द बोगस टू नेशन थ्योरी, जो बिल्कुल बोगस थ्योरी थी कि हिंदू मुस्लिम टू सेपरेट नेशन थे, ताकि हम लोग कमज़ोर रहें और वो हम लोगों को 1947 के बाद भी हम पे डोमिनेशन रखें। तो ये एक ही इसका सलूशन है कि वी मस्ट रीयूनाइट। देखिए आप पाकिस्तानियों से मिलिए, मैं कईयों से मिला हूँ, शक्ल में मेरे जैसे हैं, आई फील नो डिफरेंट फ्रॉम देम, भाषा हम लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं, हमारा कल्चर एक ही है, वही उर्दू पोइट्री से प्रेम है और हिंदुस्तानी म्यूज़िक, फूड हैबिट, बिरयानी खाना, ये वो सब हम लोग एक हैं असली में। ये बिल्कुल फॉल्स प्रोपेगेंडा हुआ है कि ये दो मुल्क हैं, एक्चुअली वी आर वन कंट्री। और जब तक आप लोग रीयूनाइट नहीं होंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। ये विदेशियों ने आपको बेवकूफ़ बना दिया, झांसा दिया और अब अभी तक आप बेवकूफ़ बने बैठे घूम रहे हैं, तो वी हैव टू रीयूनाइट एंड देन उससे ऑटोमेटिकली कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आई एम ऑल फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एट द सेम टाइम आई हैव सेड आई वुड लाइक टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री। मैं इधर क्या हो रहा है, ये देखिए ये बात हुई है ह्यूमन राइट्स की, क्या बेरोजगारी से ह्यूमन राइट्स नहीं वायलेट होता है, क्या भूख से ह्यूमन राइट नहीं वायलेट होता है, उसकी कोई नहीं बात कर रहा है। क्या दाम हो गया दाल का, क्या दाम हो गया सब्जियों का,
200 रुपए किलो गरीब आदमी क्या खा रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। यानी बेरोजगारी का आलम जो है आपके पंजाब में, कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में, मेरे मैं हूँ तो कश्मीरी मगर आई ग्रो अप इन यूपी, 350 चपरासी की नौकरियां एडवर्टाइज करी यूपी गवर्नमेंट ने, 350, 25 लाख एप्लीकेशन आए जिसमें से 250 पीएचडीज, 2500 एमएससी एमबीए इंजीनियर भीख मांग रहे हैं चपरासी की नौकरी के लिए। ये तो बेरोजगारी का आलम है। तो क्या ये ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं हुआ? मैल न्यूट्रिशन, यानी हर दूसरा बच्चा हिंदुस्तान का, उसको खाने को नहीं मिलता ठीक से, ही सफर्स फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। यूनिसेफ रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की कि 1 out of every 3 चाइल्ड हु सफर्स फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन इज एन इंडियन चाइल्ड। हर तीसरा बच्चा दुनिया का जो भूखा है वो हिंदुस्तानी बच्चा है। तो ये उस बच्चे का ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हुआ कि उसको खाने को नहीं मिल रहा है ठीक से? ये भी तो ध्यान, क्या हेल्थ केयर का क्या प्रॉब्लम है? गरीब आदमी को डॉक्टर नसीब है? इतना महंगा हो गया है इलाज, डॉक्टर की फीस इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से क्वैकरी बहुत फैली है, क्वैक्स बहुत सारे घूम रहे हैं, मैनी टाइम्स द नंबर ऑफ डॉक्टर्स। तो फार्मर सुसाइड हो रहे हैं आपके पंजाब में, जो ब्रेड बास्केट कहलाता था हिंदुस्तान का, कि पूरे हिंदुस्तान को खिला सके इतना पैदा करते, वहाँ के फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सब इज दिस ऑल्सो नॉट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? उस पर भी ध्यान होना चाहिए। इंटॉलरेंस की बात हुई, सही है, बिल्कुल इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये नेताओं का काम है इंटॉलरेंस बढ़ाना। ये नेता जो हिंदुस्तान के हैं ये सब गुंडे हैं, ये सब डकैत हैं, ये सब, इनको कोई देश से प्रेम नहीं है, नो जेन्युइन लव फॉर द पीपल। ये सब अपने वोट बैंक के चक्कर में जनता समाज को पोलराइज करते हैं, ये नफरत फैलाते हैं कि कास्ट और कम्युनल वोट बैंक हमारा सिक्योर हो जाए, पूरा खेल इनका ये है। यानी इन पर जब तक इनको सुधारा नहीं जा सकता है, इनको फांसी लगनी है और कोई तरीका नहीं है, आप सुधार नहीं सकते इन नेताओं को। और मैं किसी विशेष पार्टी के नेता का नहीं बात कर रहा हूँ, सभी पार्टी के नेता ऐसे ही हैं, कोई धर्म पे के नाम पे चला रहा है राजनीति, कोई जात के नाम पे चला रहा है, हद हो गई। और देखिए इन लोग का जो इंटरेस्ट, देखिए ये जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, ये कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक्स पे रिलाई करते हैं ज़्यादातर। कास्ट और कम्युनलिज्म ये सब फ्यूडल फोर्सेज हैं, सामंती फोर्सेज हैं, जो हमारे देश के प्रगति को रोक रहे हैं। हमको तो डिस्ट्रॉय करना है फ्यूडलिज्म को। नेशनल इंटरेस्ट डिमांड्स दैट इंडिया मस्ट रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज एंड बिकम अ हाईली प्रॉस्परस कंट्री वेयर ऑल आवर सिटीजन्स गेट डिसेंट लाइव्स। तो जो नेशनल इंटरेस्ट है और पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट है वो ठीक उल्टा है। नेशनल इंटरेस्ट है कि हम लोग मॉडर्नाइज हुएं, साइंटिफिक थिंकिंग फैले, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो वगैरह। पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट क्या है? कि इलेक्शन जीतना। उनको देश की हित का से कोई मतलब नहीं है, उनको तो है कि बाई हुक एंड क्रुक इलेक्शन जीतो। और इलेक्शन जीतने का क्या तरीका है? कि अपने कास्ट और कम्युनिटी के वोट बैंक को सिक्योर करो, और सिक्योर करने के लिए नफरत फैलाओ, पोलराइज करो सोसाइटी। कुछ पार्टीज हैं जो कि हिंदू मुस्लिम में अगर राइट्स हों तो दे थ्राइव ऑन दैट, उनका बड़ा फायदा होता है कम्युनल टेंशन से, किसी का कास्ट पे के वजह से बड़ा फायदा होता है। तो सोचिए ये क्या आपके देश का कोई फायदा कर सकेंगे? हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ एवरीथिंग हैज कोलैप्स्ड, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आपका पार्लियामेंट चल रहा है, पूरा मानसून सेशन वॉश आउट हो गया था, ये विंटर सेशन चल रहा है। आज क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, आप लोग आज क्या हुआ था, मतलब कुछ दिन से तो चल नहीं रहा था, हंगामा हंगामा।
और मुझे यही हो लगता है बजट सेशन में होगा, यानी पार्लियामेंट ख़त्म हमेशा के लिए, क्योंकि जो भी अपोजिशन में आएगा वो चलने नहीं देगा। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो सुषमा स्वराज जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी लोकसभा में, उन्होंने कहा कि स्टॉलिंग पार्लियामेंट इज अ वे इज अ डेमोक्रेटिक मेजर, वंडरफुल थ्योरी एडवांस करी थी, हैं जो नाउ इट इज रिकॉइलिंग ऑन देम। तब तो ये ऑपोजिशन में थे बीजेपी, तो सुषमा स्वराज जी ने कहा कि पार्लियामेंट को रोक देना ये भी एक लोकतांत्रिक तरीका है, तो भैया ले अब तुम भी रोके जाए, अब तुम सत्ता में हो तुमको भी रोका तो अब क्यों रो रहे हो, तुम्हारी तो फिलॉसफी थी। तो लिहाजा ये पार्लियामेंट कोलैप्स हो गया है, ब्यूरोक्रेसी लार्जली करप्ट हो गई है। एक ज़माना था जब आईएएस ऑफिसर ईमानदार होता था, मेरे ख्याल में 90% भ्रष्ट हो गया है। जुडिशरी का मैं तो 40 साल में रहा हूँ, 20 साल वकील 20 साल जज, 50% से ज़्यादा करप्ट हो गई। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, सुप्रीम कोर्ट तक का जज था, 3 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस था। पहले तो सबॉर्डिनेट जुडिशरी ही करप्ट थी, अब हायर जुडिशरी भी बहुत। शांति भूषण जो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे और सुप्रीम कोर्ट के अभी बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से आधे से ज़्यादा करप्ट थे, और ये हलफनामा दिया था 5-6 साल पहले। उसके बाद भी कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए, वो भी भ्रष्ट थे। और ये कैसी जुडिशरी है जो 25-30 साल लगा रही है एक केस डिसाइड करने में, फाइनली ये जुडिशरी है कि मजाक है? 25-30 साल लग रहा है तुमको फाइनली अपील अपील डिसाइड करने में? किसके पास टाइम है 25-30 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहना? तो यहाँ कहने का मतलब सब चीज़ कोलैप्स्ड है, सारे इंस्टीट्यूशन को खोखले हो गए हैं बिल्कुल। और इधर प्राइस राइज बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, न केवल पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यानी एवरीथिंग हैज़ गॉन टॉक्सिटर वे। तो यहाँ तो आने वाला इस मुल्क में बगावत, मैंने कई बार कहा, लोग मुझे गलत समझते हैं, मगर इस कंट्री में आने वाला है सम काइंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि एवरीथिंग इज कोलैप्स, पॉलिटिशियंस इंटरेस्ट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, दे विल नॉट पॉलिटिशियंस विल नॉट लेट द कंट्री प्रोग्रेस, वो नेता लोग देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि वो उनका स्वार्थ है कि वोट बैंक पक्का करें। तो लिहाजा अब बगावत के अलावा इस मुल्क को कोई रास्ता नहीं, और बगावत आने वाली टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं आएगी, 10 साल क्योटिक कंडीशन चलेंगी, मगर उसके बाद सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इज कमिंग, और उसके बाद एक जस्ट सोशल ऑर्डर होगा जिसमें लोगों को अच्छा जीवन मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये सोशल ये ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। ह्यूमन राइट्स में इकोनॉमिक राइट्स को भी आप इंक्लूड करिए, यानी रोटी, घर, नौकरी, दवा, ये भी ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है, और बेगुनाहों को नहीं जेल भेजा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अभी माइनॉरिटीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, औरतों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, दलितों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सब ऐसा रेवोल्यूशन ख़त्म करेगा। तो मैंने तो कह दिया कि अब रेवोल्यूशन के अलावा कोई चारा नहीं, और देश उसी रास्ते पे जा रहा है। मैं अंत में फैज़ अहमद फैज़ की ये कुछ पंक्तियां हैं जो मैं नोट करके आया, ये सुना के ख़त्म करूंगा। फैज़ अहमद फैज़ आप जानते हैं, बड़े मशहूर उर्दू के, आप लोग देखिए पंजाबी लोग तो उर्दू के बड़े माहिर रहे हैं, यानी आप लोग तो शायद नहीं, आपके पिताजी पूछिए, पंजाबी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशन पीपल इन उर्दू। अब तो सब आप लोग शायद अंग्रेज़ी के अलावा कुछ जानते नहीं हैं, मगर पहले पंजाबी इज़ वेरी गुड, बड़ी सेवा की पंजाबियों ने उर्दू की। तो ये फैज़ अहमद फैज़ की पंक्तियाँ हैं, जब जुल्म सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हुकुम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज खुदा के काबे से
सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहल सफ़ा मर्दूद हरम मसनत पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे। अब समझ लीजिए किसके तरफ इशारा, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। धन्यवाद।